कम अज कम दिल में नदामत हो, दिल में शर्मिंदगी हो, गुनाह का एहसास हो कि मुझसे गुनाह हो गया है। हज़रत सालबा रदियल्लाहु ताला अन्हु 16 साल का बच्चा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। 16 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया, हुजूर से प्यार किया। मफहूमन हदीस पेश कर रहा हूँ, हुजूर का खादिम है, हुजूर की खिदमत करता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम पर भेजते वो काम करने के लिए जाता। किसी सहाबी के लिए पैगाम देना होता सालबा को हुजूर भेजते, किसी गैर मुस्लिम तक पैगाम पहुँचाना होता हुजूर सालबा को भेजते, किसी चीज़ को खरीदना होता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालबा को भेजते, सालबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते। लेकिन एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सालबा, वो 16 ईयर ओल्ड हज़रत सालबा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम पर भेजते हैं। आधे दिन का काम था लेकिन बहुत वक्त हो गया, सालबा वापस नहीं आए। सालबा कहाँ गए? जब वापस आ रहे थे तो देखा कि एक हमाम है, उस हमाम में एक औरत नहा रही है, एक पर्दा लटका हुआ है, हवा का तेज़ झोंका आता है, पर्दा उठता है, उनकी नज़र उस औरत पर पड़ जाती है। उनके दिल में कुछ रगबत हुई, कुछ मैलान हुआ, दिल में ख्याल आया, है सालबा दूसरी नज़र तो हराम है लेकिन आज तूने किया क्या? आज तूने इस औरत को देख लिया, ये औरत नहा रही थी, तूने इस हालत में देख लिया, तेरा दावा यह है कि तू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। इतनी कम उम्र में अल्लाह जल्ला वाला ने तुझे इतना बड़ा मकाम दिया, इतनी बुलंदी दी, दुनिया तुझे खादिम मुस्तफ़ा कहती है, दुनिया तुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी कहती है, हुजूर का खिदमत गुजार हो के इस औरत को तूने देखा। सालबा पर रिक्कत तारी हो गई, इस कदर रोए, चेहरा आंसुओं से भीग गया। सालबा रोते हुए अपने आप से ये कहते हैं, हो ना हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल हो चुकी होगी, अल्लाह ने कलाम किया होगा कि सालबा मुनाफिक हो गया है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने वाला और इस तरह इस औरत को देख लिया, अल्लाह जल्ला वाला की वही आ चुकी होगी, किस मुँह से हुजूर की बारगाह में जाऊँगा। है सालबा अब तू इस बात का हकदार नहीं कि तू हुजूर की बारगाह में जाए। उस 16 साल के बच्चे के जहनी ख्यालात और उसके जहनी इर्तिका को जरा चश्मे तसव्वुर से देखें, तखय्युल बांधें कि उसको अल्लाह जल्ला वाला ने कितनी फिरासत दी, किस कदर नदामत, शर्मिंदगी, शर्मसारी की कैफियत उसके दिल में पैदा हुई। ये शर्मसारी की कैफियत कि हमारे दिल में भी है, हम इंसान हैं, गुनाह इंसान से हो जाता है लेकिन गुनाह के बाद हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम क्या ढीठ हो जाते हैं? एक गुनाह हो तो उसके बाद 10-10 गुनाह करते हैं। घर में तन्हाई में पोर्नोग्राफी देखने वाले भी इस बात पर गौर करें, औरतों से बातें करने वाले भी इस बात पर गौर करें कि जिसके दिल में डर हो, जिसके दिल में खौफ हो, जिसे हुजूर का कुर्ब मिला हो, उसके दिल की कैफियत कैसे बदलती हैं। सालबा रदियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे हैं, उन पर रिक्कत तारी है, हुजूर की बारगाह में हाजिर नहीं होते। सालबा कहाँ जाते हैं? पहाड़ पर जाके इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, रोते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरने के बाद अपने सहाबा से हुजूर ने खिताब किया, है सहाबा सालबा कहाँ है? एक काम पर भेजा था। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालबा तो आधे दिन का काम था, अभी तक वापस आए नहीं, अभी वापस पहुंचे नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जाओ सालबा को तलाश करो। एक हफ्ता गुजर गया, सालबा नहीं मिल रहे, लोग सालबा रदियल्लाहु ताला अन्हु को तलाश कर रहे हैं। दूसरा हफ्ता गुजर गया, तीसरा हफ्ता गुजर गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलील उल कदर सहाबा का इंतखाब किया, कहा तुम जाओ उसे तलाश करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा इकराम अलैहि मुरिदवान को भेजा। अब ये सहाबा तलाश कर रहे हैं, 40 दिन हो गए, गलियों में तलाश कर रहे हैं, बाजारों में तलाश कर रहे हैं, देहातों में तलाश कर रहे हैं। आखिर वो वक्त आया कि जब वो शहर के मजाफात तक पहुंच गए, वहां पर बुलंद पहाड़ थे, चरवाहों को देखा, उनसे पूछा, कहा इतना कद है, इतनी उम्र है, रंगत ऐसी है, नकूश ऐसे हैं, क्या इस बच्चे को तुमने देखा है? ये बच्चा 40 दिन से गायब है, हमें नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा, क्या तुम उस रोने वाले बच्चे का जिक्र करते हो, वो जो रोता बहुत है? कहा क्या मतलब? कहा उस रोने वाले बच्चे का जिक्र करते हो जिस पर हमेशा रिक्कत तारी रहती है। कहा क्या मतलब, कौन सा रोने वाला बच्चा? कहा जो तुमने उसकी डिस्क्रिप्शन बयान की है ना, जब हम रात को सोते हैं ना तो उन बुलंद पहाड़ों से एक बच्चे की रोने की आवाजें आती हैं, उसकी दर्द भरी आवाज हमारे सीने तक पहुंचती है, वो रोता है और रो रो के अल्लाह को पुकारता है, वो माफिया मांगता है, हमें पता नहीं उससे हुआ क्या है। कहा वो आपके पास कब आता है? कहा हम चरवाहे हैं, बकरियां चराते हैं, कभी कभी आ जाता है, बकरियों का दूध पीता है और चला जाता है। फारूक आजम ने फरमाया कब आएगा? कहा यह उसके आने का वक्त है, अभी आ ही रहा होगा। फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु, सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैदा होकर छुप जाते हैं कि कहीं सालबा ही ना हो। देखते हैं कि सालबा आ रहा है, सालबा आ रहा है तो रो
रो रहा है, दूध पीता है प्याले में, लेकिन प्याले में दूध के साथ उसके आंसू भी गिर रहे हैं। फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु फौरन बाहर आते हैं, सलमान फारसी फौरन बाहर आते हैं, वो सालबा तुझे क्या हुआ है, सालबा तेरा चेहरा बदल गया, इस कदर नहीफ हो गया, इस कदर कमजोर हो गया। सालबा ने फारूक आजम को देखा, कहा नहीं नहीं मेरे करीब नहीं आना, सालबा मुनाफिक हो गया है, वही आ गई है, अल्लाह ने फरमा दिया है। कहा काहे की बातें करता है, कैसी बातें करता है। कहा नहीं नहीं मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे करीब हो जाओ, मैं जानता हूँ हुजूर तक पैगाम आ गया है, मैं डरता हूँ। कहा सालबा हमारे साथ हो। फारूक आजम ने फरमाया हमें हुजूर का हुक्म है। सालबा ने भागने की कोशिश की, कहा किस मुंह से आका की बारगाह में जाऊं, उस चेहरे बद्दुआ को भी देखता हूँ और इन हसीनाओं को भी देखता हूँ। कहा सालबा आका का हुक्म है। फारूक आजम ने फौरन सालबा को पकड़ा, हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। सालबा कमरे में जाते हैं, इस कदर बीमार है, इस कदर कमजोर हो गए हैं, एक सेहतमंद बच्चा इस कदर कमजोर हो गया, रो रो के। सालबा रदियल्लाहु ताला अन्हु 40 दिन मुसलसल पहाड़ों में रोते रहे, अब कमजोरी की वजह से बैठ भी नहीं सकते, बिस्तर पर लेट जाते हैं और फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में तशरीफ लाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमरे में तशरीफ लाते हैं, वो करीम आका हैं, उनकी शान करीमी के क्या कहने, उनकी अजमतों के क्या कहने। शहीद सालबा को देखते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर के करीब तशरीफ लाते हैं, उसके सर को उठाते हैं, अपनी गोद में रखते हैं। अरे क्या किस्मत है उस सहाबी की। मैं कहता हूँ दोस्तों गुनाह हो जाए लेकिन गुनाह के बाद भी शर्मिंदगी भी ऐसी हो, गुनाह हो जाए फिर गुनाह के बाद नदामत भी ऐसी हो, गुनाह हो जाए लेकिन गुनाह के बाद अपने नफ्स को सजा का सिलसिला भी ऐसा हो, और फिर जब अल्लाह तौबा कबूल करता है ना तो फिर किस्मत उरूज पे होती है, फिर उसके मुकद्दर यूं झांकते हैं, अल्लाह ऐसा करम फरमाता है कि उसे फिर आका की गोद नसीब होती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ सालबा आंखें खोलो। सालबा आंखें खोलते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह आका मैं गुनहगार, मैं सियाकार, आका मुझे आपकी गोद मिली, मैं इसके इस काबिल कहां। आका मुझे पता है वही आ गई है, मुझे पता है आयत आ गई है, आपको बता दिया गया है कि सालबा मुनाफिक हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस काबिल नहीं कि आपकी गोद में लेटूं। सालबा कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने एक औरत को यूं देख लिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तो फिर तू तौबा कर ले। सालबा कहते हैं मुझे डर है इस बात का कि जहन्नुम के निचले दर्जे में मुझे फेंका जाएगा, मुझे जलाया जाएगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया मोमिन डरता भी तो है लेकिन मोमिन की एक और कैफियत भी है, वो उम्मीद की कैफियत है। कहा अल्लाह से उम्मीद क्या रखता है। कहा उम्मीद तो यह है कि मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया फिर अल्लाह से जो तू जन रखता है अल्लाह को अपने जन के मुताबिक पाएगा, ये उम्मीद रख कि मेरा अल्लाह तुझे माफ कर देगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद किए, सालबा को दुआएं दी। जब सालबा खुश हो गए कि मुझे आका की दुआएं मिली और मेरे मुनाफिक होने के हवाले से कोई आयत नाजिल नहीं हुई, तो उस वक्त सालबा हुजूर से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं महसूस कर रहा हूं जैसे मेरे जिस्म में हजारों कीड़े रेंग रहे हैं, इस कदर दर्द महसूस कर रहा हूँ। मेरे आका रोने लगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका क्यों गिरिया फरमा रहे हैं, आका क्यों रो रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ सालबा तेरी मौत का वक्त आ गया है, मलकुल मौत आ रहे हैं, तेरे जाने का वक्त आ गया है। सालबा ने देखा अरे मुकद्दर वाला है वो जिसकी मौत आका की गोद में हो, काश यूं मौत आए मेरे हम नशी नजा का और हो जाए मंजर हसी, काश यूं मौत आए मेरे हम नशी मजा का और हो जाए मंजर हसी, वो उधर अपनी जुल्फें सवारा करें और इधर दम हमारा निकलता रहे। अरे कैसा किस्मत वाला है, आका की गोद में सालबा की मौत वाके हो गई, सालबा की रूह कफसे उनसरी से परवाज कर गई। मेरे दोस्तों यही पैगाम है, अगर चाहते हो आका का करम मिले तो आज मिलाद की महफिल का यह पैगाम ले जाओ कि गम का एक सबब गुनाह भी है, अगर तुम गुनाहों से तौबा करोगे डिप्रेशन खत्म हो जाएगी, हुजूर का प्यार मिलेगा, हुजूर की मोहब्बत मिलेगी, हुजूर का इश्क मिलेगा। वालदेन को वक्त दो, अपने बच्चों को वक्त दो, नमाजों में इस्तिकामत हासिल करो, गुनाह जो किए उनसे तौबा करो, जो नमाजें कजा की हैं, जो रोजे कजा किए हैं उनकी कजा उमरी करो, हुस्ने अखलाक से पेश आओ, जो रिश्तेदार नाराज हैं सिला रहमी के जज्बे के साथ उनसे मुलाकात करो, वो पूछे क्या हो गया है, मेरे घर में आज क्यों आया है, कभी नहीं आया, कहा तुझे नहीं पता कल कंजुल हुदा में महफिल मिलाद हुई थी, आका का मिलाद हुआ है इसलिए आया हूँ। अरे जिससे मिल रहा है वैसे तो तेरे चेहरे पर 12 बजे होते हैं, आज मुस्कुरा क्यों रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, कल हजूर की मिलाद की महफिल थी, मिलाद हुई है, मिलाद ने मुस्कुराना सिखा दिया, मिलाद ने जिंदगी गुजारना सिखा दिया, मिलाद ने गुनाह से तौबा करना सिखा दिया, मिलाद ने डिप्रेशन से बचना सिखा दिया। मेरे दोस्तों आओ आज दिल में ये पुख्ता इरादा करो हम गुनाहों से बचेंगे।